नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूँ। जैसा आज जेईटी का जो पेपर हुआ उसमें बायोलॉजी के आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक्सपेक्टेड आंसर्स अपन देखेंगे, वही आपके आंसर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया था, सबसे पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन था प्लेटी हेलमिंथिस फाइलम की विशेषताएं हैं। प्लेटी हेलमिंथिस फाइलम की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो समतांत्रिक के साथ पतला फीते जैसा शरीर जिसका होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि प्लेटी यानी प्लेट जैसा होना है ना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, रूट नोड रोग उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रकर्मी जिम्मेदार है? रूट नोड जड़ों में गांठे बनना मेलिडोगाइनी की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका राइट होगा। शीर्षस्थ प्रभाविता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित? एपिकल डोमिनेंस, सुना होगा आपने, यह ऑक्सिन की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। प्रोकैरियोट कोशिकाओं में प्रतिलेखन और अनुवादन होता है, प्रतिलेखन और अनुवादन क्या होता है? तो यह ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज द एक साथ साइटोप्लाज्म के अंदर यह होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, शुक्राणु कोशिका परिपक्वता और भंडारण की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से कहां पर होती है? तो अगर यह देखें तो यह प्राथमिक रूप से कहां होती है? यह होती है आपके एपिडिमिस के अंदर होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो आपका राइट होगा। यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में शामिल है संक्रमित पौधों के अंशों को हटाना, यह आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद आता है मॉन्ट्रियल समझौते का उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना था? तो वह था आपका ओजोन परत की कमी। ओजोन परत के अंदर जो कमी हो रही है उसकी जो एक प्रकार से अपन कहें डिप्लीशन उसका जो हो रहा है उसका समाधान करने के लिए जो है इसे सम्मेलन करवाया गया था। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, पारिस्थितिकीय पिरामिड में किस स्तर पर आमतौर पर सबसे अधिक बायोमास आपको देखने को मिलेगा? तो यह उत्पादक के केस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया है तो इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड, एक ही जीनस के जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषताएं साझा ये करते हैं। उसके बाद आता है इटाई इटाई की विशेषता के कारण होता है, इटाई इटाई जिसे आउच आउच के नाम से भी जानते हैं, यह कैडमियम की वजह से होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वह आपका राइट होगा। उसके बाद गोल्जी उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है प्रोटीन और लिपिडों को, प्रोटीन और लिपिडों के संशोधन वर्गीकरण और पैकेजिंग के अंदर। उसके बाद आता है रक्त प्रकार एबी को सामान्य प्राप्तकर्ता माना जाता है क्योंकि इस रक्त प्रकार के व्यक्ति में क्या होता है? तो उसमें होता है क्या होता है उसके इसमें उसमें होता है ए और बी दोनों ही एंटीजन होते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि में सीमित करने वाला, सीमित लिमिटिंग फैक्टर नहीं मानते? तो संसाधनों की अगर प्रचुरता है तो लिमिटिंग फैक्टर कैसे हो सकता है? उसके बाद आता है रक्त ऊतक का मैट्रिक्स निम्नलिखित में से बना होता है, तो वह बना होता है किसका? प्लाज्मा का। इसके इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वह आपका राइट होगा। उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन था टिश्यू कल्चर के जनक के रूप में या हेबर लैंडेट को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वह आपका यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं का साइटोस्केलेशन किससे बना होता है यूकेरियोट का? तो यह माइक्रोट्यूबुल्स का बना होता है, माइक्रोफिलामेंट्स का बना होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से मिलकर यह बना होता है। कॉकरोच की श्वसन प्रणाली में मुख्य रूप से शामिल होता है स्पाइरिकल्स होते हैं, कौन से होते हैं? स्पाइरिकल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, और अपन ने कहा 10 पेयर्स और स्पाइरिकल्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। जैव प्रौद्योगिकी में जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? तो जीन लाइब्रेरी का उद्देश्य है क्लोनिंग, क्लोनिंग और विश्लेषण के लिए डीएनए टुकड़ों का संग्रह और संचित करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालिक निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि यहां पर क्या है? तो आम विधि है भूमिगत भंडारों में गहन भूवेक्षण निपटाना। उसके बाद स्तनधारियों में सांस लेने के दौरान डायफ्राम, डायफ्राम के अंदर क्या चेंज होता है? तो डायफ्राम जो होता है वह आराम करता है और ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर, कृषि में रसायनों कीटनाशकों के उपयोग का संभावित नुकसान क्या हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, पैदावार के अंदर कमी, क्योंकि दूसरे तो होंगे नहीं, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कहां से होगी उस केस में? इसके अलावा जैव विविधता कहां से बढ़ेगी क्योंकि आप रसायनों का यूज कर रहे हो? उसके बाद कीट प्रतिरोध का जोखिम कम कैसे होगा? ज्यादा हो सकता है, कम तो होगा ही नहीं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22, दो विविध हेटेरोजाइगस मटर की मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दोनों हेटेरोजाइगस मटरों के बीच में परिणामी अनुपात यहाँ पे क्या होगा? तो 3:1 होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट होगा। केचुओं में एक विशेष मांसपेशी संरचना होती है जिसे कहा जाता है उन्हें मिट्टी में चलने में मदद करती है, और वह मांसपेशी क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है आपकी सीटी, सीटी कहलाती है, सेटे कहते हैं अपन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वह आपका राइट होगा। उसके बाद शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का उपयोग कौन से उद्योगों के अंदर होता है? तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के अंदर होता है, जो टेबलेट्स या जो विभिन्न प्रकार की ड्रग्स बनाई जाती है उनमें कोटिंग के लिए इसको काम में लेते हैं।
किस रेशे वाली फसल की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशे के लिए की जाती है, जिनका उपयोग रस्सियां और कपड़े बनाने में किया जाता है? तो इस केस में जाएगा आपका अलसी, इस केस में ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों में उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण माना गया है? इस केस में विटामिन B12 ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट होगा। प्रोटोप्लास्ट सेलेन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज द पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल को काम में यहां पर लेते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन है, अनुवादन प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की क्या भूमिका रहती है? तो टीआरएनए की भूमिका रहती है एमिनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का काम यह करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे राइट होगा। उसके बाद लाइकेन प्रदूषण का संकेत है। लाइकेन किसके प्रदूषण का संकेत है? तो यह SO2 के प्रदूषण का संकेत है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। उसके बाद आता है सेंटीपीड, जो वर्ग चिलोपोडा में आते हैं, कृषि में मुख्य रूप से किस कारण के लिए उपयोगी माने जाते हैं? क्योंकि ये कुछ नासिक कीटों का शिकार करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद ये पौधों में अनुभागी जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी उत्तक स्थित होता है। तो यह कहां पर स्थित होता है? पेरिसाइकिल के अंदर। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किए जाने वाला श्वसन उत्पादक नहीं है? तो इस केस में आपका ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट होगा। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन यहाँ पे जिम्मेदार होता है? तो वो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की यहाँ पे नहीं है? तो वह है आपकी ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो प्रजनन के लिए शंकुओं का उत्पादन। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पे राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज द जैविक नियंत्रण एजेंट जैसे कि प्राकृतिक शत्रु और पैरासिटोइड का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए करते हैं? यह क्या करते हैं? शिकार करके या परजीवीकृत करके नासिक कीट को मार देते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर फलों की खपत के माध्यम से बीज को फैलाने में शामिल नहीं होता है? तो इस केस में आपका मछली जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं पौधों में रस के आरोहण का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज द जड़, बाल, जाइलम और पत्तियां होती है। उसके बाद बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार का पत्ती संशोधन मौजूद होता है, जहां पत्ती को ब्लेड एक चपटी डंटल जैसी संरचना में बदल दी जाती है? तो वहां पर होता है फाइलोइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39, न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण के अंदर शामिल होता है? तो यह शामिल होता है मुख्य समूह राइबोसोमल आरएनए के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था, दीमक लकड़ी के ढांचे को खराब करने में किस प्रकार से योगदान करता है? तो लकड़ी के ढांचे में वो मुख्य रूप से क्या फीड करता है? वह सेल्युलोज की फीडिंग करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वह आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। तो ये बायो के सारे आंसर जो है अपन ने यहाँ पर देख लिया, आप मैच कर लीजिए, एक्सपेक्टेड आंसर यही रहने वाले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।